हम उनकी योजना बंद नहीं करते हैं, ये अर्थ भी वो उनको डर के आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे में दवा बनाए हुए हैं, मध्य पर भड़का करके पानी के मंत्री के राजस्थान के ही है। 2011 प्रधानमंत्री जी का जयपुर के अंदर अजमेर में नेशनल परेड बनाएंगे, राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, बना नहीं रहे, और मध्य प्रदेश भड़का के सुप्रीम कोर्ट भेजे हमारे खिलाफ में। हमारे नौजवान बांध बन रहा है, तेपन बांध हमने अभी घोषणा करी है तेपन बांधों की, उसके खिलाफ में मध्य प्रदेश गया सुप्रीम कोर्ट में गया हमारे खिलाफ में। आप बताइए, आप घोषणा आपकी पार्टी की सरकार वसुंधरा राजे की घोषणा, हमारी सरकार बनी, हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब खुश होना चाहिए था, आपने हमारी कितनी योजना बंद करी, नहीं खुश नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, झगड़ा उनके अपर के अंदर है, वसुंधरा जी का हो जाए उनके हाईकमान को, हमें मतलब नहीं उससे, पर वो हमें जो दुख दे रहे हैं, झगड़ा आपका मुख्य राजपाल, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम काम आगे बढ़ाएंगे। 14,000 करोड़ हमने रखे प्रोविजन, का काम बढ़ रहा आगे। दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर है, सुना होगा आप मेरे लोगों ने, हेबिटेट सेंटर है, उस ढंग का हमने सपना देखा यहाँ पर उस जमाने के अंदर, ऐसे उसको बंद कर दिया, आधी जमीन ले ली हमारी, वो बना दिया भामाशाह के अंदर, बनाया डाटा सेंटर, बनाया अच्छा बनाया, वो मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, वसुंधरा राजे के वक्त में आईटी बेस जो केंद्र बना वहां पर भामाशाह के नाम से डाटा सेंटर बना है, मेरे नंबर वन हो गया देश के अंदर, पर हमारी जो कल्पना थी इंडिया इंटरनेट सेंटर की तरह राजस्थान इंटरनेट सेंटर बनाने की, उनका आधा हिस्सा कट गया, वो शानदार बन गया, अभी वो काम हमारा लोगों के बुकिंग हो रही है, शानदार बुकिंग हो रही है। हम चाहते हैं राजस्थान में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, कोई धर्म के नाम पर जाति के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं हो, बुरे अफसोस से कहते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने कहा जोधपुर में अभी सुबह, जब लोग मर रहे थे जोधपुर के अंदर, जब मुख्यमंत्री कहां थे मुझे पता नहीं पड़ता, कौन को ब्रीफ करता है, एक आदमी मरा नहीं, तनाव जो हुआ साम्राज्य तनाव करौली में हुआ है और जोधपुर में हुआ, साल भर तक मीडिया चलाता रहा इस पर के अंदर दंगे 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 दंगे, आप बताइए इस प्रकार बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है, और प्रधानमंत्री की पद की गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद बड़ा होता है, वो अगर ये बातें कहे, जोधपुर लोग मरे थे दंगों के अंदर, तब मुख्यमंत्री कहां थे मेरे शहर के अंदर जब मैं पैदा हुआ, बता दीजिए आप लोग आज क्या इनकी अप्रोच है धर्म के नाम पर, मणिपुर में क्या हो रहा है चिंता है किसी को, मणिपुर के अंदर, और मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया है, यहां पर वो खुद कह रहे हैं एक जबकि में बात करते हैं 100,000 गरीब हो चुके हमारे यहाँ पर, हजार हो रही है, 5 महीने हो गए वहां पर, 6 महीने हो गए जल रहा है मणिपुर, देश का अच्छा नहीं है क्या वो, ये स्थिति कहीं नहीं बने देश के अंदर, ये हमारा असल का धर्म बनना चाहिए जो कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बातें करें उठी सीधी, पेपर लीक की बात करिए पूछो पेपर लीक को, हमने आजीवन कारावास की सजा ठोकी है इनको, गुजरात में किसी पेपर लीक हो रहे हैं चिंता है उनको, खुद के राज्य में किस राज्य में पेपर लीक नहीं हुए बता दीजिए, और किस राज्य में कार्रवाई हुई है वह बताए, पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी उनके राज्य में पेपर लीक हुए थे, हाईकोर्ट कहना पड़ा तुम लोग गलती हो, ये पेपर लीक हुआ तो मान नहीं रहे हो, हमने 200 लोगों को जेल में ठूस दिया, आजीवन कारावास का कानून पार कर दिया राजस्थान के अंदर, और प्रधानमंत्री जी भड़का रहे उनको बैठे बैठे। और बड़ा एहसान कर रहे हमारे ऊपर, मेरे उधर पानी रास्ते को दिया, अरे आपने क्या दिया है जो आपका ये फर्ज है हमारा अधिकार था पानी लेने का, वो पानी दिया आपने, जो अंतर्राज्यीय समझौते हैं हमारे गुजरात के साथ में मध्य प्रदेश के साथ में पंजाब हरियाणा का ही है, कई जगह हमें पानी मिल नहीं पा रहा है, हमें चिंता उसकी है, आपने जब उद्घाटन किया था मुझे याद है, आपको आश्चर्य होगा नर्मदा जब पानी जब राजस्थान में आया था
तब सांचौर के अंदर मीटिंग गई, वसुंधरा जी ने मीटिंग करी, उद्घाटन के लिए पानी आने के उपलक्ष्य में खुशी मनाई। और एक किलोमीटर दूर गुजरात साइड के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से सभा पहुंचे, वो आप बताइए आपका झगड़ा उस तरह इश्यू है, बर्बाद रास्ता आप लोग कर रहे हो। एक किलोमीटर उद्घाटन वो वहां मीटिंग कर रहे हैं, पानी भेजने के उपलक्ष्य में है, और यह उद्घाटन हो रहा है हमारा पानी देने के उपलक्ष्य में, ये तो उनकी स्थिति थी। आप जो तुम उसके बारे में बोल गए। अब मैं अंत में जो है जैसे कह रही थी बातें कम है, टाइम बहुत हो रहा है, लाड आएगी एक ऐसा सरेंडर किया है, वो फ्यूज हो गया उनका बकायदा बीजेपी हेडक्वार्टर में, बीजेपी के जो अमित शाह हो या धर्मेंद्र प्रधान हो या और भी नेता हो, गरीब शेखावत हो, एक और कोई असलम नाम था भूल गया मैं, इस्माइल पता नहीं क्या नाम, सरकार गिराने के सरेंद्र जो इन्होंने किया, मेरी सरकार गिराने का 5 साल में डिस्टर्ब रखा है। इधर तो प्यार आप लोगों का राजस्थान वासियों का, उसके बावजूद भी आज राजस्थान सरकार के बारे में कोई तरह की विरोध विरोध नहीं है, जो तारीफ करते हैं सरकार के कामों की स्कीमों की, ये राजस्थान में प्यार है, विश्वास है मेरे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति, हमारी पार्टी नीतियों के कार्यक्रमों के प्रति जो उनका विश्वास है, इस कारण से आप बताइए 5 साल से डिस्टर्ब रखा। लोकतंत्र में आप कहने की ड्यूटी है सरकार को मजबूत करने की, राज्य सरकार को संघीय ढांचा होता है, आपने क्या किया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने।